हेलो एवरीवन। देखिए, सीयूटी पीजी एग्जाम 2024 में हार्डली 45 डेज और रह गया। एग्जाम डेट ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। 11 से 28 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होना है। NCOQP 12 एंड COQP 11, इसकी एग्जाम डेट जो है 18 से 20 मार्च होगी। एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि NTA जो है, NTA CUT का एग्जाम कराती है, एंड मार्च में, मिड मार्च में NTA कोई और एग्जाम नहीं करा रही है। CMAT का एग्जाम अप्रैल मई में होना है। CUT UG ये जून में होना है, तो टाइमली आपका एग्जाम हो जाएगा। तो नेक्स्ट 45 डेज में आपकी क्या स्टडी होनी चाहिए? तो देखिए, टोटल जो है 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। अभी तक जितनी भी कॉल आ रही है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से सब पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम कैट स्नैप वाले स्टूडेंट हैं। आपकी पूरी तैयारी है, आपको अब जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस पे फोकस करना है। NTA पैटर्न के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि CUT का एग्जाम जो है ना, ये इजी है, लेकिन आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट करना है। 75 क्वेश्चन 105 मिनट में आपको करना है, तो आपको जो है स्पीड पे आपको ध्यान देना होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी प्रोग्रेस में है। क्वांट इन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन LRDI लैंग्वेज ये कंप्लीट है, या क्वांट 50% कंप्लीट है, अदर सेक्शन 50% कंप्लीट है। आप सभी के लिए एक कंप्लीट कोर्स है। रेगुलर अगर आप 7 to 8 आवर दे रहे हैं नेक्स्ट 45 डेज तक, टेस्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं आप। टेस्ट MHRM कोर्स के लिए GDPI में शॉर्टलिस्टेड होने के लिए अगर 230+ है तो शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे आप। इन केस अगर आप DAV को टारगेट कर रहे हैं, BHU ABM को टारगेट कर रहे हैं, देन उसके लिए जो है फॉर जनरल कैटेगरी अराउंड 170 मार्क्स to 180, ये बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। तो टेस्ट के लिए मिनिमम टोटल 150 क्लासेज हैं। कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा आपको? टोटल 150 क्लासेज आपको मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से होंगी, बाइलिंगुअल होंगी। चैप्टर वाइज आपको NTA पैटर्न स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि हम लोग स्पेशली CUT के लिए ही करा रहे हैं। CUT 2022 से हो रहा है, न्यू पैटर्न पे हम लोग उसी टाइम से प्रिपेयर करा रहे हैं। तो सभी स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल NTA पैटर्न पे मिलेगा। आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे आइए, ऐप पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। CUT MBA पे क्लिक करिए, CUT MBA Live, गो टू कोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको देखिए सभी क्लासेस मिल जाएंगी। 2023 की क्लासेस हैं, इसे आपको फॉलो नहीं करना है। जो बच्चे बहुत पहले इनरोल कर लिए थे, वो 23 में पढ़ लिए थे, 24 में जो है इसको रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको केवल 24 वाली क्लासेस देखनी है। जैसे रीजनिंग लाइव क्लास 2024 पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपको स्टडी प्लानर मिल जाएगा। क्लासेस सभी कैसे होंगी? सबसे पहले कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं, क्लास सीट है, प्रैक्टिस सीट है, चैप्टर वाइज PYQ है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल मॉक है। इसी को आपको केवल 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। किसी भी अदर कंटेंट, किसी भी बुक की नीड नहीं है, अभी टाइम भी नहीं है आपके पास। चैप्टर वाइज आपको 60 to 70 क्वेश्चन मिलेंगे। चैप्टर वाइज ये डिपेंड करेगा, PYQ एंड सेक्शनल टेस्ट लेकर ये 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। जैसे आप ओपन ई बुक पे क्लिक करिए, रैंकिंग, अब टोटल जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में कराए गए हैं, सभी बाइलिंगुअल सीट भी है। इसी को आपको मैक्सिमम 2 से 3 बार अच्छे से आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वांट में भी मिलेगा। क्वांट में एक्चुअली क्वांट का सिलेबस लेंदी है, तो आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अदर कंटेंट आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सभी कुछ NTA पैटर्न पे है। अब जैसे यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 पे आपने क्लिक किया, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथ्स में नियर अराउंड 80 to 90 क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। PYQ सेक्शनल टेस्ट लेकर ये नियर अराउंड 110 क्वेश्चन हो जाएगा, तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। पैटर्न क्या रहेगा? अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को टाइमर के साथ आपको सॉल्व करना है। जैसे आपने देख लिया कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टोटल 70 क्वेश्चन है, आप टाइमर लगाइए एंड 50 to 55 मिनट में ये सभी क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं, एंड देन आपको 2x की स्पीड से इसके वीडियो सॉल्यूशन देख लेने हैं। सभी डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो कॉन्सेप्ट भी रिविजन हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, सबसे पहले आप ई बुक सॉल्व करिए, देन इसके वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। एंड जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया है,
सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्लासेस देख लेनी है, एंड देन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। कुछ भी अदर कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कोई बुक खरीदी भी है तो उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि एनटीए पैटर्न, ठीक है, जो भी आपके पास बुक होगी वो एसएससी, बैंक, रेलवे सभी कंबाइन करके बुक होगी। स्पेशली सीवीटी एमबीए के लिए एनटीए पैटर्न पे कोई बुक नहीं है, तो सभी सीट आपको एनटीए पैटर्न पे मिल जाएगी। इसी को आप अगर केवल 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनफ है। बहुत बार क्वेश्चन सीट से मैच किया हुआ है। आपको यहाँ पे कंप्यूटर की भी क्लास मिल जाएंगी, जैसे सीवीटी एमबीए, इसका कोड है COQP12। तो कंप्यूटर आपके सिलेबस में नहीं है, जीएस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप COQP12 में इनरोल करिए, COQP11 में इनरोल करिए, क्लासेस आपको सभी मिल जाएंगी। ऐसा इसलिए कि आपको मल्टीपल बैच में इनरोल करने की जरूरत ना हो। तो सीवीटी एमबीए भी सेम है, COQP12 भी सेम है, ठीक है ना। 11 यहाँ पे अलग से एक ऑप्शन बना हुआ है। तो सीवीटी एमबीए एंड COQP12 दोनों सेम है, आप कहीं से भी इनरोल कर सकते हो। इनरोल कैसे करना है आपको, सीवीटी एमबीए लाइव पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं, एंड अभी कॉन्सेप्ट ऐप पे भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड पे ही अवेलेबल है, आईफोन यूजर वेबसाइट से देख सकते हैं इसको। 7 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएगा, 20+ आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, जितनी भी लाइव क्लासेस रिमेनिंग हैं आप लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। सभी लाइव क्लासेस जो है जूम ऐप पे होती हैं, जैसे ही लाइव क्लासेस ओवर होंगी उसकी रिकॉर्डिंग अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे और ऐप पे अपडेट हो जाती है, ठीक है ना। एक अलग से ग्रुप है, वहाँ पे सभी लाइव क्लासेस की जो है डिटेल आपको मिलती है। जैसे यहाँ पे एक अलग से ग्रुप है, ठीक है, डेली का शेड्यूल, डेली की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। एंड एक डाउट ग्रुप भी है, कोई भी आपका डाउट है आप यहाँ पे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। सेम कोर्स में आपको 7 डेज रिविजन क्लासेस मिलने वाली है रीजनिंग की। ये नियर अराउंड 15 से स्टार्ट होगा, 15 फेब से 22 फेब तक ये कवर हो जाएगा। इस पे पूरा कंप्लीट रीजनिंग से नियर अराउंड 70 क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, ठीक है। एंड पूरे 70 क्वेश्चन में पूरी रीजनिंग कंप्लीट, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। 70 क्वेश्चन में पूरी रीजनिंग तो नहीं कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि रीजनिंग की क्लास ही है कम से कम 45 to 55 आवर की है। अगर आप सभी PYQ ले लें, कॉन्सेप्ट तो 45 आवर की है, सभी PYQ भी अगर आप ले लें तो ये 55 आवर की चली जाएगी। एंड सेक्शनल टेस्ट भी अगर आप ले लें तो नियर अराउंड ये 60 आवर तो चली ही जाएंगे। तो 70 क्वेश्चन में जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी रीजनिंग में अभी तक कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, 70 क्वेश्चन का एक अलग से आपको बंडल मिलेगा, ठीक है, विथ लाइव क्लासेस। सभी सारी चीजें जो है लाइव में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है, सभी की PDF विद वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, लाइव में डिस्कस होगा, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। एंड डाउट ग्रुप भी रहेगा, डाउट ग्रुप तो हमने आपको बता ही दिया है। सभी टीचर वेल एक्सपीरियंस हैं, आप डेमो भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ डेमो क्लासेस हैं, 40+ वीडियोज जो हैं डेमो फॉर्म में अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट की। इसमें आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे आपको टारगेट करना चाहिए। एंड कोर्स की वैलिडिटी, ये CVT एग्जाम डेट इज मार्च 20 तक है, अराउंड 20 मार्च तक आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा, तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी इसमें, ये एक्सटेंड भी हो जाएगी। इन केस आप अगर सीमेट को टारगेट कर रहे हैं या अदर एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं तो ये एक्सटेंड भी हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ अलग से चार्जेस देने होंगे। एंड ये सिंगल डिवाइस पे केवल लॉग इन होगा, डेट इज लैपटॉप एंड फोन। ये आपके लैपटॉप में चल जाएगा, आपके फोन में चल जाएगा, ठीक है ना, सिंगल डिवाइस में। अगर आप एक बार में लैपटॉप पे देख रहे हैं तो ये फोन से जो है लॉग आउट हो जाएगा, फोन में देख रहे हैं देन ये लैपटॉप से लॉग आउट हो जाएगा। तो एक डिवाइस पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। टोटल कोर्स की फीस ये 1849 है। नेक्स्ट कोर्स है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डाउट ग्रुप नहीं होगा, इसमें जो रिमेनिंग लाइव क्लासेस हैं उसका एक्सेस नहीं होगा, और सभी कुछ सेम है। 150 क्लासेस इसमें भी हैं, सभी एनटीए पैटर्न PDF आपको यहाँ पे भी मिलेगा, PYQ, 7 फुल लेंथ, 20 सेक्शनल। ये 7 डे जो रिविजन क्लासेस होनी है ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगी आपको। यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं है और डाउट ग्रुप नहीं है, ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें सेम है। इसमें जो कोर्स की फीस है ये है 1549। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो है 5 फुल लेंथ मॉक है एंड 10 सेक्शनल टेस्ट है। एंड इसमें जो रीजनिंग की जो रिविजन क्लासेस हैं वो नहीं रहेंगी, अदर सब कुछ इसमें सेम है। इस कोर्स की फीस क्या है, 999। इनरोल कैसे करना है आपको, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइए या ऐप पे जाइए, यहाँ पे क्रैश कोर्स का ऑप्शन बना हुआ है, COQP12, COQP11, किसी पे भी आप क्लिक कर लीजिए। आप COQP11 पे भी अगर आप इनरोल करते हैं तो क्लासेस सभी सेम है, ठीक है, बस आपको चेंज क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट का बस आपको चेंज मिलेगा। COQP11 में अगर आपने इनरोल किया, COQP11 का मॉक मिलेगा।
COQP 12 में एनरोल किया है तो COQP 12 का मॉक मिलेगा, क्लासेस आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है ना। मल्टीपल आपको इनरोल करने की जरूरत नहीं है, तो क्रैश कोर्स के लिए जो है आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। एंड जो 1849 का जो कोर्स था, आप CUET MBA पे क्लिक करिए, यहाँ पे भी देखिए आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ CUET MBA लाइव 1849 का है, ये CUET MBA रिकॉर्डिंग ये 1549 का है, डिफरेंस हमने आपको बता दिया, और COQP 12 क्रैश कोर्स ये आपका 999 का है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। एंड CUET MBA एंड TISS COQP 12 में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, तो आप यहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं 12 के लिए। एंड TISS यहाँ पे जो 12 मेंशन है यहाँ पे भी इनरोल कर सकते हैं। तो फीस हमने जो है बहुत ही कम कर दी है, क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले रखा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंस्टीट्यूट कैट के लिए प्रिपेयर कराते हैं, या अभी तक TISS के लिए प्रिपेयर कराते थे, स्नैप के लिए कराते हैं, वहाँ पे भी एडमिशन ले रखा है। अब वो क्या कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, कि सभी जो कैट के मटेरियल हैं, स्नैप के मटेरियल हैं, वही सेम मटेरियल वो CUET में भी दे रहे हैं। आपने पेपर देखा है CUET लास्ट ईयर का, ठीक है, 22 और 23, टोटल 3 सेट हैं, और कैट का भी आपने पेपर देखा है, दोनों इंटायरली डिफरेंट है, सभी मटेरियल वो सेम दे रहे हैं। आप खुद बताइए 17 नवंबर को 2023 TISS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि अब ये एग्जाम जो है CUET के थ्रू होगा, ठीक है। और दिसंबर 1 वीक से दिसंबर 10 के अराउंड सभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे सभी के जो है क्लासेस आ गए लाइव, नहीं 99.9% ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं और ये कैट स्नैप के ही मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए CUET MBA न्यू पैटर्न से 2022 से हो रहा है, 22 में अभी कॉन्सेप्ट के अलावा कोई नहीं था, 23 में भी अभी कॉन्सेप्ट के अलावा कोई नहीं था, 24 में जैसे ही TISS का नोटिफिकेशन आया है, आप खुद सोचिए 10 या 15 डेज में कैसे ये कंटेंट बना सकते हैं, मॉक कैसे आपको NTA पैटर्न पे ये दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक उनके चैनल पे आपने देखा होगा 22 और 23 ये अभी तक PYQ डिस्कस नहीं हुए, तो आप एक बार उनकी प्लेलिस्ट चेक कर लेते कि उन्होंने कभी CUET के लिए कराया भी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए किसी को आपके कैरियर से कोई मतलब नहीं है, सबको अपने पैसे बनाने हैं। हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री में भी दिए हैं, आप CUET MBA टेलीग्राम चैनल पे देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, आप एक बार उसको देखिए, मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पे फ्री में भी अवेलेबल है। आपको जरूरी नहीं है कि कोर्स आपको ज्वाइन करना है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपको करना क्या है, 22 एंड 23 ये टोटल 3 सेट हैं, आप एक बार सेल्फ ट्राई करिए विद टाइमर, ठीक है ना। अगर आपसे अंडर टाइम में क्वेश्चन बन जा रहे हैं, नियर अराउंड 65 से 70% भी अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना, कोचिंग की नीड है ही नहीं आपको। तो देखिए एक बच्चे का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि एक रिपुटेटेड इंस्टीट्यूट में जो है उन्होंने एडमिशन ले रखा है, लेकिन जो है जो अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम है कैट स्नैप, उसके लिए वो बेस्ट कोचिंग है, सेम वो CUET में भी वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर ये दो कोर्स ले भी लें तो पढ़े कौन सा, तो सिंपल सी बात है जो आपने पहला कोर्स लिया है रिलेवेंट है ही नहीं, तो उस पर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इनसे कहा है कि 22 और 23 PYQ इन्होंने सॉल्व किया ही नहीं, डायरेक्ट इन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर ज्वाइन करना है, मैंने उनको साफ ना कहा, पहले मैंने कहा प्रीवियस ईयर आप पेपर सॉल्व करिए, देन आप कॉल करके बताइए सेम नंबर पे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कैट की प्रिपरेशन कर चुके हैं, 70 से 75% क्वेश्चन वो सही कर भी ले रहे हैं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ज्वाइन करने के लिए, आप बस मैक्सिमम मॉक दीजिए, ठीक है ना। तो फी के रिगार्डिंग हमने आपको डिटेल बता दिया, कैसे इनरोल करना है डिटेल हमने आपको बता दिया है। एंड CUET MBA COQP 12 के लिए जो डिटेल सिलेबस है वो ये है, आपने देखा होगा अभी भी NTA की वेबसाइट पे जो है क्वांट का सिलेबस अभी पूरी तरीके से अपडेट नहीं है, वहाँ पे केवल 9 चैप्टर अभी शो हो रहे हैं, और जब आप PYQ देखेंगे तो वहाँ सभी 23 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको जो है ये सभी सिलेबस फॉलो करने हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ, वहाँ पे आपको ये डिटेल PDF मिल जाएगी, या आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे तो यहाँ पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है ना। ये टोटल 86 पेज की PDF है, इसमें CMAT और अदर इंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है, सभी के भी सिलेबस हैं, एंड हाईएस्ट सेलेक्शन, ठीक है, जितने भी FAQ हैं, ठीक है, कैसे क्लासेस चलती हैं, सभी कुछ जो है आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आपको सभी शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि 22 23 में हाईएस्ट सेलेक्शन दिया है हम लोगों ने,
तो ये डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे भी मिल जाएगी, या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? सभी इन्फॉर्मेशन आपको बैच के रिगार्डिंग व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा एंड सेम टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है, कोई भी आपका क्वेरी है आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।